एल्विश यादव की जीत के जश्न में डूबा था हरियाणा, तभी हरियाणा फिल्म इंडस्ट्री के लिए आई ऐसी बुरी खबर कि सब सन्न रह गए। अचानक रोने लगे लोग, सपना चौधरी से लेकर प्रांजल दहिया तक सबके उड़ गए होश, सब हो गए परेशान। एल्विश यादव भी भागे भागे आए। अचानक हरियाणवी इंडस्ट्री पर टूट पड़ा था दुखों का पहाड़। और तो और, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री एल्विश यादव की जीत की खुशी में सभाओं में जा रहे थे, उनकी आंखें भी नम हो आई। अचानक गुरुग्राम से लेकर चंडीगढ़ तक और चंडीगढ़ से लेकर हिसार तक हिल चुका था। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो गया। आपसे मिलकर यारा हमें अच्छा लगा। पिछले करीब 10 दिनों से ये गीत गुनगुनाने वाले हरियाणा को पता ही नहीं था कि उनके बीच से एक उभरता हुआ सितारा उन्हें छोड़कर चला गया। जिन्हें हरियाणा का अरिजीत सिंह कहा जाता था, वो अब दुनिया छोड़कर चले गए। देसी देसी ना बोलिया कर जैसे हिट गाने देने वाले हरियाणवी सिंगर राजू पंजाबी का 21 अगस्त की रात 33 साल की उम्र में निधन हो गया। वो पिछले 10 दिनों से हिसार के एक प्राइवेट अस्पताल में दाखिल थे। उन्हें काला पीलिया था, जिस कारण लीवर और फेफड़ों में संक्रमण हो गया था। तबियत बिगड़ने के कारण वो वेंटिलेटर पर थे। वो राजस्थान के रहने वाले थे, लेकिन फिलहाल हरियाणा के आजाद नगर इलाके में रहते थे। जैसे ही उनकी मौत की खबर आई, उनके रिश्तेदार और प्रशंसकों की भीड़ हिसार पहुंच गई। इस बीच 12 अगस्त को उनका आखिरी गाना रिलीज हुआ। इससे पहले भी राजू पंजाबी का इलाज हिसार में हुआ था। बीच में वो ठीक हो गए थे और चलने फिरने भी लगे थे। इस बीच वो ठीक होकर घर भी लौट गए थे, लेकिन उनकी तबियत फिर से खराब हो गई। इसके बाद से उन्हें दोबारा अस्पताल में दाखिल करवाया गया। राजू पंजाबी शादीशुदा थे और उनकी 3 बेटियां हैं। राजू पंजाबी हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में बहुत लोकप्रिय चेहरे थे। लोग उनके गाने का इंतजार करते। उनके गाने मिलियंस वाले हिट देते। उनके गाने सॉलिड बॉडी, सैंडल, तू चीज लाजवाब, देसी देसी ना बोलिया कर जैसे चर्चित गाने। सपना चौधरी के साथ उनकी जोड़ी काफी मशहूर थी। उन्होंने हरियाणा में म्यूजिक इंडस्ट्री को एक नई पहचान दिलाई। राजू पंजाबी का अंतिम गाना 12 अगस्त को रिलीज हुआ। हालांकि इस दौरान वो अस्पताल में ही एडमिट थे। उनके आखिरी गाने के बोल थे, आपसे मिलके यारा हमको अच्छा लगा। राजू पंजाबी का असली नाम राजा कुमार था। राजू पंजाबी ने 1996 में भजनों से अपने गायन की शुरुआत की थी। 2013 में उनके गाने यार दोबारा नहीं मिलने से सबसे पहले दर्शकों के दिलों पर छाप छोड़ी थी। राजू पंजाबी के निधन पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। हरियाणा के सीएम ने अपने ट्वीट में लिखा, प्रसिद्ध हरियाणवी गायक और संगीत निर्माता राजू पंजाबी जी के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। उनका जाना हरियाणा म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए अपूर्णीय क्षति है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। उनके परिजनों को यथा दुख सहन करने की शक्ति दे। राजू पंजाबी के हरियाणवी गानों को हरियाणा से लेकर पंजाब तक खूब पसंद किया जाता था। गानों में सपना चौधरी और राजू पंजाबी की जोड़ी काफी हिट होती थी। सपना चौधरी के साथ उनकी जोड़ी देश भर में काफी मशहूर थी। उन्होंने हरियाणा में म्यूजिक इंडस्ट्री को एक नई पहचान दिलाई। राजू पंजाबी ने हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री को अपने सॉन्ग्स सैंडल, मारे गांव का पानी, फैन मरजानी, देसी देसी जैसे गानों से पॉपुलर बना दिया और एक अलग मुकाम पर पहुंचा दिया। बीते 12 अगस्त को ही उनका आखिरी गाना रिलीज हुआ था। तब भी वो बीमार थे। उन्होंने अपने फैंस से अपील की थी कि गाने को खूब प्यार दें।